और ईवीएम विरोध की एक बार फिर कैसे हवा निकली है ना इस बार, ईवीएम पर दुष्प्रचार का ओटीपी आ गया है, दिखाते हैं आपको। हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद था। देखो ये ईवीएम बेचारी जो नेशनल सियासी किलर्स हैं उनसे बची तो इंटरनेशनल सुपारी किलर्स के चक्कर भी में फंस गई। 15-20 सांसद आते तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री रहते। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स। ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है, अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी खुद अपने आप में एक ब्लैक बॉक्स है, शोध किया जाना चाहिए। अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें। अब जानते कहा जाता है कि सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है ना तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। दोबारा सुनिए, सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट लेता है। झूठ की रफ्तार 4G 5G 6G 7G 8G 10G तेजी से फैलता है झूठ। ऐसा ही भारत की ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हो रहा है। मतलब जिस ईवीएम की वजह से विपक्ष ने 232 सीटें जीती, जिस ईवीएम की वजह से कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जिस ईवीएम की वजह से राहुल गांधी दो सीटें जीते, दो सीटें, विपक्ष फिर उसी ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। ईवीएम के चरित्र हरण की लगातार कोशिश की जा रही है। क्या हुआ, कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए दिए हैं कि 24 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र के संभावित मतलब सत्र में ईवीएम पर हंगामा मच सकता है। अब ईवीएम विरोधी दुष्प्रचार का ओटीपी आता लग गया है ऑपोजिशन के, वैसे उसकी हवा निकल गई है, मैं आप बताता हूं आपको, क्योंकि ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता चुके राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को या तो मशीनों या प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो फिर ऐसा करिए, जिन जिनको डाउट है दे दें इस्तीफा वो, और दोबारा चुनाव की मांग करें कि इस बार मैं बैलेट पेपर से चुनाव, राहुल गांधी दे दें इस्तीफा। फिर जिन नेताओं को ईवीएम से प्रॉब्लम है और वो ईवीएम से चुन कर आए हैं तो दे दें वो इस्तीफा, फिर कि हाँ दोबारा हो जाए चुनाव, इस बार हम बैलेट पेपर से चुनाव, इस्तीफा दे देना। ईवीएम का विरोध है, ईवीएम से तो जीत के आए हैं साहब, 99 सीटें जीत कर आए ईवीएम से। कांग्रेस के अलावा विपक्षी करीब हर पार्टी ने ईवीएम के चरित्र पर उंगली उठाई है, मजाक बना रखा है भारत के लोकतंत्र को, एक तरीके से फिर से उन पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है डाउट, और पूरी दुनिया में खबर बनाई जाती है। जबकि चुनाव के बाद यही ईवीएम पाक साफ हो गई थी, लगा था कि अब तो ईवीएम की इज्जत बच गई। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या, ये सब विपक्ष को ईवीएम विरोध का ओटीपी कहां से मिला, सुनिएगा। हुआ ये कि 4 जून यानी नतीजों के दिन मुंबई में मंगेश पांडिलकल नाम के एक व्यक्ति पर मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा। ठीक, मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का। मंगेश पांडिलकर शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकार के करीबी हैं। शिंदे गुट के सांसद, शिंदे मतलब एनडीए सांसद के करीबी हैं, जिन्होंने उद्धव गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर को 48 वोटों से हरा दिया। इसके बाद से आरोप लगा कि पांडिकल ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर दिया, मोबाइल से ओटीपी से ईवीएम को अनलॉक कर दिया। मैंने कहा ना अभी तो झूठ, सच फीते ही बांध रहा था, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा दिया, आग की तरह जंगल में खबर फैल गई है, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम का ओटीपी आया, ईवीएम को कंट्रोल कर लिया, ओटीपी मोबाइल पता नहीं क्या क्या। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है और इसे मोबाइल से लॉक या अनलॉक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि ईवीएम को ओटीपी से अनलॉक करने की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। फिर भी विपक्ष को ईवीएम को चुनाव आयोग से ज्यादा झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भरोसा है, और विपक्ष के इस भरोसे को अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क ने और मजबूत किया। लेकिन यहां आपको यह बताते हुए कि जिस अखबार की बुनियाद पर ये सब आरोप लगा रहे थे उस अखबार ने भी माफीनामा और क्लेरिफिकेशन छाप दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, जिस अखबार की बुनियाद पर ये ओटीपी वाला दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था उस अखबार ने भी छोटी सी जगह पर ये क्लेरिफिकेशन छाप दिया। इतना बड़ा छापा, ओटीपी से कंट्रोल हो गया ईवीएम, छोटा सा क्लेरिफिकेशन छापा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब कौन बताएगा आके कि नहीं हम झूठ बोल रहे थे, इन पर कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगा।
अच्छा, एलन मस्क ने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है और अमेरिकी चुनावों में ईवीएम को हटा देना चाहिए। एलन मस्क ने यह बात अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में कही, लेकिन ईवीएम विरोधी बात को लेकर विपक्ष ने एलन मस्क को सिर माथे पर बिठा लिया। खुद सोचिए, अगर ईवीएम हैक होती, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं छोड़िए बीजेपी, छोड़िए कांग्रेस, अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी 240 होती। अगर ईवीएम हैक होती तो मोदी जी काउंटिंग में शुरुआती राउंड में अपनी सीट से पीछे चलते। ईवीएम हैक हो गई और मोदी जी पीछे चल रहे थे। अगर ईवीएम हैक होती तो मोदी जी 1.5 लाख, मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते। अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी के 18 मंत्री चुनाव हारते। ईवीएम हैक है, हम जीत रहे हैं, 99 सीटें ले गए, लेकिन ईवीएम हैक है। यानी ईवीएम हैक होती तो बीजेपी अयोध्या हारती। ईवीएम हैक होती तो मोदी जी गठबंधन का रिस्क क्यों लेते? और मतलब आप सोचिए, राहुल गांधी 2-2 सीटें से जीत जाते। ईवीएम हैक थी और जीता तो आप लोगों ने हैक किया, फिर इसका मतलब आप लोगों ने क्या? फिर इसलिए कहा जाता है कि जो सो रहा है ना, उसे तो जगाया जा सकता है। जो सो रहा है आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर इस साल 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शक का इलाज नहीं हो सकता और संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, अगर संदेह हो तो उम्मीदवार वेरिफिकेशन की मांग कर सकता है और वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिन में कर सकते हैं। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स की जांच तब की जाती है जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। राहुल गांधी खुद अपने आप में एक ब्लैक बॉक्स है, शोध किया जाना चाहिए उन पर। एलन मस्क, जिसको इंडियन डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं है, इंडियन ईवीएम की जानकारी नहीं है, वो बयान देते हैं और उसके बयान को पकड़ लेते हैं कि जैसे एलन मस्क नहीं हो गया, आइंस्टीन की औलाद हो गए। तो ऐसे ऐसे बेवकूफाना बात पे और अपने ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाब गैर जिम्मेदार बताने लगते हैं राहुल गांधी। ऐसे ऐसे तुम्हारे नेता हैं। चुनाव के रिजल्ट 4 तारीख को आए, 14 तारीख से उनको ईवीएम शुरू हुआ। बीमारी ये अगले 5 साल का नैरेटिव बनाना चाहते हैं क्या? केंद्र की सरकार क्यों नहीं पायलट पे चुनाव लेती है? दुनिया के प्रगत देश, अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। और ये चुनाव 5 साल का है, 5 दिन का नहीं है। 5 दिन की सरकार हम बनाते हैं, अगर 5 दिन काउंटिंग को लगते हैं तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? तुमने 1 महीना चुनाव लिया है, 7 फेज में लिया है, कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान में? कानून व्यवस्था अगर इनके राज में ख़राब हुई है क्या? ये भी सवाल होता है। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स।